हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर और Android ऐप पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्लास 10th का यूपी बोर्ड का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि सप्लीमेंट्री की सेकंड स्टोरी है, इस वर्ष COVID-19 की वजह से थर्ड स्टोरी हटा दी गई है। सिर्फ दो ही स्टोरी हैं सप्लीमेंट्री में। और आज मैं आपको जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की आगे की कहानी बताता हूँ। उससे पहले पीछे क्या हुआ था, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि विक्रमादित्य का जो पैलेस वगैरह था वो पूरा रुइंड हो चुका है, पूरी तरीके से सल्तनत उनकी खत्म हो चुकी है, लोग उनके बारे में भूल भी चुके हैं। क्या होता है कि उनकी जहाँ पर सल्तनत थी, पैलेस था, वहाँ पर अब चारागाह बन चुका है और बच्चे आते हैं अपनी गाय भैंस बकरियाँ चराने के लिए। एक दिन सभी बच्चे इसी काम के लिए आए हुए थे और वो खेलते हुए एक नई जगह पर, एक नए ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं। जब नई जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक टीला था। उनमें से एक बच्चे ने देखा, टीला मीन्स एक माउंट, एक ऊंचाई थी जिसके ऊपर घास उगी हुई थी, और उनमें से एक बच्चा उस टीले पर जा करके बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो उसके अंदर एक अजीब सी रूह आ जाती है और उसके चेहरे पर बहुत सीरियसनेस आ जाती है। वो चिल्ला करके बोलता है, सभी बच्चे, सभी लोग यहाँ पर आ जाइए और अपने केसेस मेरे सामने लाइए और मैं उनके आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करूंगा और जजमेंट सुनाऊंगा। सारे बच्चों को लगता है ये मजाक है, सारे बच्चे उसके खेल में शामिल हो जाते हैं, नए नए डिस्प्यूट्स, नए नए झगड़े लेकर के आते हैं। कोई कहता है ये मेरी ज़मीन हड़प लिया, तो दूसरा वाला कहता है मैंने नहीं हड़पा है। इसी तरह के कई सारे केसेस लाते हैं। फिर ये डेली का हो गया था, रोज ऐसे ये लोग करने लगते थे। और ये बच्चा जब जमीन पर उतरता था उस माउंट से तो नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाता था, लेकिन जब उसके ऊपर चढ़ता था तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती थी, उसके चेहरे पे एक अजीब सा सीरियसपन हो जाता था। ये बात फैलने लगी, लोग दूर दूर से अपने असली झगड़ों को, असली डिस्प्यूट्स को लेकर के आने लगे। फिर ये सच में न्याय सुनाने लगा और लोग भी, दोनों साइड के लोग जो झगड़े लेकर के आते थे, सेटिस्फाइड होकर के यहाँ से जाते थे। उस समय के जो वहाँ के राजा थे, इस बात को उन्होंने सुना और उनको पता था कि यह, उनको ऐसा लगा कि शायद यह बच्चा जिस माउंट पर बैठता है, जिस टीले पर बैठता है, वो हो ना हो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की है, यानी कि विक्रमादित्य की सिंहासन है। उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जाओ उस सिंहासन को लेकर के आओ, क्योंकि उस सिंहासन पे अगर केवल बैठने से किसी इंसान के अंदर जजमेंट करने की ताकत आ सकती है, तो मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा और हमेशा के लिए एक महान न्यायाधीश की तरह लोगों के मन में अपनी छवि बनाऊंगा। चलिए अब चलते हैं आगे के टेक्स्ट पर। सो With spades and souls, the grassy knolls where the boys played war was overturned. कह रहा है फावड़े और दूसरे हथियारों के साथ द्वारा grassy यानी घास से, जिसमें घास उगी हो, knolls मतलब एक टीला जिस पर वो बच्चा बैठा करता था, where the boy played, जहाँ पर लड़के खेला करते थे, ओवरटर्न, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वो लड़का जो खुद जज बना करता था, वॉज सोरोफुल, वो बहुत दुखी था। ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, उसने महसूस किया, दैट की Something very dear to him was being taken away. कह रहा उसने ऐसा महसूस किया कि कोई ऐसी चीज जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, वो उससे छीन ली गई है। At last the laborers came. अंतिम में
लेबर्स मजदूर आए ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर आई, यानी उन्होंने अंतिम का अंतिम में कुछ ना कुछ उन्होंने पा लिया। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल। अंतिम में उन मजदूरों को एक ब्लैक मार्बल का स्लैब मिला, एक ईटा पत्थर कह सकते हो मिला, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। कह रहा जिसको सपोर्ट किया हुआ था किसने, 25 एंजल्स ने, 25 एंजल्स के हाथों और पंखों ने, विंग्स मतलब पंख उनके, और सारे 25 एंजल्स किससे बने हुए थे, स्टोन के बने थे, वो भी पत्थर के बने हुए थे। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य। निसंदेह ये क्या थी, जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य थी। आगे बढ़ते हैं। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी। कह रहा है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इसको शहर तक लाया गया। किसको, उसी जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य को। एंड और प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय करने वाले हॉल में इसको रख दिया गया, जहां पर वो राजा बैठ करके न्याय किया करता था। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू अब्सॉर्ब 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंट द थ्रोन पब्लिशली। कह रहा है द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को ऑर्डर किया, आदेश दिया टू ऑब्जर्व 3 days ऑफ प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस। कह रहा है उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो 3 दिन प्रेयर करें, प्रार्थना करें, फास्ट रहें, फास्ट यानी कि व्रत भी रहेंगे, एंड और अनाउंस दैट ऑन द 4th day और 4th दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और वो 4th दिन पब्लिक के सामने, पब्लिकली पब्लिक के सामने, लोगों के सामने उस स्टोन पर, उस पत्थर पर या उस सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट अंतिम में द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब एकत्रित होना, टू सी द किंग टेक हिज सीट। लोग वहां पर एकत्रित हुए थे यह देखने के लिए कि राजा किस तरह से उस सीट पर बैठता है, या फिर उस सीट पर राजा को बैठने के लिए लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाई द किंग। कह रहा वो एक लंबे बड़े हॉल में केम द जज, जज आए, एंड प्रीस्ट पंडित आए, ऑफ द किंगडम उस राज्य के पंडित आए, जो पुजारी थे, पूजा कराते, फॉलोड बाई द किंग, राजा के, राजा भी उनके साथ में आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, पर जैसे ही वो जजमेंट करने वाली सीट पर, उस सिंहासन तक वो पहुंचते हैं, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 अलग अलग rows में बट जाते हैं। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा उन दोनों रोज के बीच से आता है, बीच में आता है, बोट हिज हेड अपने सर को झुकाता है इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधा वो मार्बल स्लैब या फिर उस सिंहासन के पास चला जाता है। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा उस थ्रोन पर बैठने ही वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक,
जिन 25 एंजल्स ने उस स्लैब को थामा हुआ था उनमें से एक एंजल बोल पड़ी, स्पीक, बिगेन टू स्पीक, स्टॉप, वो कहती है रुको, इट सेड, उसने कहा रुक जाओ, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो दैट कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रम आदित्य की सीट पर, सिंहासन पर बैठने के लायक हो, वर्दी हो, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी भी दूसरे राज्यों पर रूल करने के बारे में इच्छा नहीं जताई, नहीं रखी, रूल मतलब शासन करने पर इच्छा नहीं रखी, यानी अपने राज्य को छोड़कर के अगल बगल के राज्यों को भी हड़पने की कोशिश कभी भी तुमने नहीं किया, हड़पने के बारे में क्या कभी भी तुमने नहीं सोचा, दैट वर नॉट योर्स ओन, यानी जो तुम्हारे अपने किंगडम नहीं थे, क्या उन जगहों पर तुमने अपना कब्जा जमाने के बारे में नहीं सोचा, फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा जवाब नहीं सोच पाया कि वो जवाब क्या दे, ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, क्योंकि वो जानता था कि उसका जो जीवन है वो अनजस्ट है, यानी सच्चाई वाला जीवन नहीं है, उसने गलत काम किए हैं। After long silence, काफी देर की चुप्पी के बाद he spoke, वो बोला no, नहीं, he said, उसने कहा नहीं, I'm not worthy, मैं उस लायक नहीं हूं, go then, तो फिर जाओ and or fast and pray for 3 days, जाओ और 3 दिन का और प्रेयर करो, प्रार्थना करो और 3 दिन के लिए और व्रत रखो, सेड द एंजल, और उस एंजल ने यह कहा कि चलो तुम जाओ, अगर तुम वर्दी नहीं हो 3 दिनों के लिए फिर से व्रत रखो, 3 दिन तुम फिर से प्रेयर करो, देन कम हियर, फिर उसके बाद आओ और बैठने की कोशिश करो, सो दैट यू मे प्योरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी सो टू सिट ऑन द थ्रोन, इस तरीके से तुम अपने आप को शुद्ध, प्योरीफाई, शुद्ध कर पाओगे योर सेल्फ, अपने आप को, एंड और बी वर्दी और लायक हो जाओगे टू सिट, बैठने के ऑन द थ्रोन, उस सिंहासन पर बैठने के फिर तुम लाओगे। विद दीज वर्ड इट स्प्रेड इट्स विंग एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और फ्लू अवे और उड़ गए। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, किंग ने अपने आप को तैयार किया विथ प्रेयर्स, प्रार्थना के साथ, विथ फास्टिंग टू कम अगेन, व्रत रह करके और प्रेयर करके, और उस इस तरीके से अपने आप को तैयार किया उस सिंहासन बैठने के लिए, टू कम अगेन, और फिर से वहां आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर से वही चीज हुई, अनदर, एक और स्टोन एंजल, पत्थर से बना हुआ एंजल, आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू possess the riches of others, कह रहा है। फिर एक एंजल निकला और उससे फिर से प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी भी इच्छा नहीं रखी दूसरे अमीर लोगों के या दूसरों के पैसा, दूसरों का धन पाने के बारे में क्या तुमने कभी इच्छा नहीं रखी। द किंग एडमिटेड दैट, किंग ने स्वीकार किया दैट कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, एंड और देयरफोर, इस तरह से, ही वॉज नॉट वर्दी, वो उस लायक नहीं था टू सिट ऑन जजमेंट सीट,
वो उस न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठने के लायक फिर से नहीं था। इन दिस वे, इस तरह से व्हेनेवर, जब भी द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, इस तरह से जब भी वो राजा उस थ्रोन पर ऑक्युपाई यानी जगह घेरने की कोशिश करे, बैठने की कोशिश करे, ही वॉज क्वेश्चन्ड, उससे प्रश्न पूछे जाए, बाई एन एंजल, एक एंजल के द्वारा, एंड और ही हैड टू विदड्रॉ, और उसको छोड़ना पड़ जाए, उसको बैठने को नहीं मिलता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। ऐसा ही चलता रहा तब तक जब तक कि केवल एक एंजल नहीं बची जिसने सपोर्ट किया हुआ था, संभाले हुआ था किसको, उस जजमेंट सीट को। आगे देखते हैं, द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा उस थ्रोन, उस सिंहासन तक जाता था, उस सिंहासन के पास जाता था बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, और उसको पूरा तरीके से वो महसूस करता था कि मैं आज तो उस पर जरूर बैठ ही जाऊंगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे वो सीट के पास आता था, द लास्ट एंजल स्पोक, जैसे वो उसके पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, यानी जब एक केवल एंजल बची थी, उसके बाद उसने वो गया, अपने आप को फिर से प्रिपेयर किया, तैयार किया, और इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि अब की तो मुझे बैठ ही जाना है। लेकिन जैसे ही बैठने वाला था, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी एंजल ने उससे बोल पड़ा, क्या बोला, आर यू, क्या तुम देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजा, क्या तुम अब पूरी तरीके से, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, प्योर है, इज योर हार्ट एज प्योर, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि वह छोटे बच्चे का हृदय शुद्ध था, क्या तुम्हारा भी हृदय उतना शुद्ध है, इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर ऐसा है, तुम निसंदेह इस सीट पर, इस सिंहासन पर बैठने काबिल हो। दिस वॉज हाउ, सॉरी, नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा बहुत ही धीरे से, नहीं, नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, एंड और एट दीज वर्ड्स द ग्रेट, सॉरी, दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, वो एंजल उड़ जाती है आकाश में, ब्रिंगिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस स्लैब को, उस सिंहासन को अपने सर पर रख करके वो एंजल आसमान में, आकाश में उड़ जाती है। दिस वॉज हाउ, इस तरह से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य का सिंहासन, न्याय करने वाला सिंहासन जिस पर बैठ के वो न्याय करते थे, डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस तरीके से हमेशा के लिए जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य डिसअपियर्ड, अर्थात गायब हो गई फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। आज हम लोगों ने जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर,
मैं आपको अगली वीडियोस में पीडीएफ में दे दूंगा, नहीं दूंगा तो आप मुझसे कमेंट करके मांग लीजिएगा। चलिए फिर अगली बार फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर्स के साथ, नई स्टोरी के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।